हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का, प्रकाशिक माध्यम क्या होता है और प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो आज की जो टॉपिक है, आज की टॉपिक क्या है? प्रकाशिक माध्यम। और दूसरी टॉपिक क्या रहेगी? दूसरी टॉपिक रहेगी आपकी प्रकाश किरण पुंज। तो प्यारे बच्चों, तो आइए हम लोग आज की टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। तो सबसे पहले प्रकाशिक माध्यम समझ लेंगे, समझने के बाद ही उसको लिखेंगे और उसको आगे पढ़ेंगे। तो प्रकाशिक माध्यम क्या बनाते हैं टॉपिक? प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम। तो प्रकाशिक माध्यम क्या होता है जानते हैं आप लोग? प्रकाश चलने के लिए, जो प्रकाश होता है वो चलने के लिए जिन मार्ग को अपनाता है, जैसे अगर वायु में से गया, चलिए हम लेते हैं जैसे कि ये वायु के कण हो गए, मान लीजिएगा ये कोई वायु था, ठीक, और ये कोई आपके जल हो गए, ये जल हो गए, ठीक। उसके बाद ये कोई कांच हो गया, ठीक, कांच का स्लैब हो गया, ऐसे ले लीजिएगा, ये कोई कांच हो गया, ठीक। तो समझिएगा कि जब कोई प्रकाश किरण जिस माध्यम से चलता है, यानी चलने के लिए जिस मार्ग को अपनाता है, जैसे प्रकाश किरणें अगर वायु में से चल रही हैं तो वायु प्रकाशिक माध्यम कहलाएगा, यदि प्रकाश किरणें जल में जा रही हैं तो जल प्रकाशिक माध्यम कहलाएगा, यदि प्रकाश किरणें कांच में चल रही हैं तो कांच प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। यानी यहाँ ये तीनों एग्जाम्पल से ये चीज जरूर समझ में आ गई होगी कि प्रकाश चलने के लिए जिन मार्ग को अपनाता है, जिन रास्ते को अपनाता है, वही रास्ता वही पथ क्या कहलाता है? प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। हमने क्या बताया डियर स्टूडेंट? प्रकाशिक माध्यम क्या होता है कि प्रकाश चलने के लिए जिन मार्ग को अपनाता है, जिन पथ को अपनाता है, वही पथ वही मार्ग ही क्या कहलाते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहलाते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम तीन प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है पारदर्शी माध्यम। कौन सा होता है? पारदर्शी माध्यम, ठीक। उसके बाद दूसरा होता है पारभासक माध्यम। क्या होता है? पारभासक माध्यम। और तीसरा होता है डियर स्टूडेंट, तीसरा होता है आपका अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम। ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, पारदर्शी माध्यम क्या होते हैं? ऐसे प्रकाशिक माध्यम जिनको प्रकाश का अधिकांश भाग क्या कर जाए? पार कर जाए। यानी ऐसे प्रकाशिक माध्यम जिनको प्रकाश का अधिकांश भाग क्या कर जाता है? पार कर जाता है। और पार कर जाता है, जैसे अगर हमने कहा कि ये मेरा हाथ अगर पारदर्शी माध्यम होता तो प्रकाश जब इस पे पड़ता तो प्रकाश इस पार तरफ दिखाई पड़ता। तो हमने क्या बताया? पारदर्शी माध्यम क्या होते हैं? ऐसे प्रकाशिक माध्यम जिनको प्रकाश का अधिकांश भाग क्या कर जाता है? पार कर जाता है। अब प्यारे बच्चों, अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो आप एक कांच ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा? कांच। अब कांच हो गया, फिर क्या हो गए? वायु। क्या हो गए? वायु। ये सब कौन से एग्जाम्पल है? ये सब पारदर्शी एग्जाम्पल है। देख सकते हैं, अगर जब कोई प्रकाश किरण जब वायु से होकर गुजरती है तो वायु को क्या कर जाती है? पार कर जाती है। जैसे कोई प्रकाश किरण कांच में से होकर गुजरेगी, कांच न कि दर्पण, कांच में से जब गुजरेगी तो कांच को भी ये प्रकाश किरणें क्या कर जाती हैं? पार कर जाती हैं। तो ऐसे जो माध्यम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। पारभासक माध्यम क्या होता है? पारभासक माध्यम क्या होता है? ऐसे माध्यम जिनको प्रकाश का कुछ भाग पार कर जाता है और कुछ भाग नहीं पार कर पाता। यानी कुछ भाग तो इस पार रह जाएंगे, कुछ भाग उस पार रह जाएंगे, तो ये कौन से माध्यम कहलाते हैं? पारभासक माध्यम कहलाते हैं। जैसे इसमें आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ दर्पण। फिर उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल आपका आता है दूसित जल। क्या आता है?
दूषित जल आता है। फिर तीसरा एग्जाम्पल आपका क्या आता है प्यारे बच्चों, तेल से लिपटा हुआ कागज, तेल से लिपटा हुआ कागज या तेल से भीगा हुआ कागज, ठीक। तो ये सब जो एग्जाम्पल हैं वो पारभाषक माध्यम के हैं, यानी ये जो माध्यम होंगे इनको प्रकाश जो है कुछ भाग तो पार कर जाएगा। अभी डियर स्टूडेंट हम आपको दिखाएंगे भी कि क्या प्रकाश वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता, आप देख सकते हैं उसको। तो पारभाषक माध्यम हमने क्या बताया, ऐसा प्रकाशिक माध्यम जिनको प्रकाश का कुछ भाग पार कर जाता है और कुछ भाग इधर रह जाता है, वो क्या कहलाते हैं, पारभाषक माध्यम कहलाते हैं। जस्ट इमेजिन अगर आप सोचिए कि ये पारभाषक माध्यम होता, ये हाथ अगर पारभाषक माध्यम होता तो प्रकाश का कुछ भाग इधर दिखाई पड़ता, कुछ भाग इधर दिखाई पड़ता, तो ये कौन से माध्यम कहलाते, पारभाषक माध्यम कहलाते। बातें क्लियर हो गई। आइए तीसरा चर्चा करते हैं, अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम, अपार यानी ऐसे प्रकाशिक माध्यम जिनको प्रकाश का प्रकाश पार न कर पाए, जिनको प्रकाश का कोई भी भाग न पार कर पाए। जैसे ये हो गई दीवार, ये क्या हो गई दीवार। अब बताइए ये दीवार या ये व्हाइट बोर्ड, जब प्रकाश इस व्हाइट बोर्ड पे पड़ेगा तो क्या प्रकाश व्हाइट बोर्ड की उस तरफ दिखाई पड़ेगा, बताइए दिखाई पड़ेगा, नहीं दिखाई पड़ेगा। तो ये कौन सा माध्यम हो गया, अपारदर्शी माध्यम हो गया। कौन सा माध्यम हो गया, अपारदर्शी माध्यम हो गया। ये बातें आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये बातें क्लियर हुई, अगर क्लियर हुई होगी तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। अगर लिख लेंगे तो जो चीज़ें आपकी क्लियर नहीं हुई होंगी वो भी क्लियर हो जाएंगी। तो आइए लिखते हैं। तो चलिए, क्या टॉपिक था, प्रकाशिक माध्यम, क्या था, प्रकाशिक माध्यम। तो हमने क्या बताया इसके लिए, इसके लिए बताया प्रकाश चलने के लिए जिस पथ को अपनाती है वही पथ ही प्रकाशिक माध्यम कहलाते हैं। कौन से माध्यम कहलाते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहलाते हैं, वही पथ ही प्रकाशिक माध्यम कहलाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, वायु, कांच, जल आदि। तो एक बार और आपको रिपीट करना चाहेंगे, प्रकाशिक माध्यम प्रकाश चलने के लिए जिस मार्ग को अपनाती है वही मार्ग ही प्रकाशिक माध्यम कहलाते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाशिक माध्यम तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला माध्यम हमने क्या बताया था, पारदर्शी माध्यम। कौन बताया था हमने, पारदर्शी माध्यम। तो सबसे पहला होता है पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम, ठीक। तो इसके बारे में हमने क्या बताया था, ऐसा प्रकाशिक माध्यम जिनको प्रकाश का अधिकांश भाग, प्रकाश का ज़्यादा से ज़्यादा भाग पार कर जाता है, वो क्या कहलाते हैं, पारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। तो हमने क्या लिखा, लिख लेते हैं, ऐसा प्रकाशिक माध्यम जिनको प्रकाश का अधिकांश भाग पार कर जाता है, पारदर्शी माध्यम कहलाते हैं।
पारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। अगर आप जैसे में जानना चाहते होंगे जैसे क्या होता है, तो आइए जैसे देखते हैं। जैसे वायु, क्या हो गया वायु, वायु एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिनको प्रकाश क्या कर जाता है, पार कर जाता है। जैसे साफ जल, स्वच्छ जल, क्या हो गए स्वच्छ जल। आप देखते होंगे कि स्वच्छ जल में भी जब प्रकाश प्रवेश करता है तो प्रकाश क्या कर जाता है, उसे पार कर जाता है। प्यारे बच्चों, उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल क्या होता है, तीसरा एग्जाम्पल हमने आपको बताया कांच, क्या हो गया कांच। ठीक, कांच भी एक ऐसा माध्यम होता है जिनको प्रकाश क्या कर जाता है, पार कर जाता है। और प्यारे बच्चों, ये तीनों में भी हम आपको दिखाएंगे कि ये तीनों आपके पारदर्शी माध्यम हैं या नहीं हैं। सर, जैसा आपने अभी हमको बताया कि ये वायु, स्वच्छ जल और कांच एक पारदर्शी माध्यम है, तो ये कैसे एक पारदर्शी माध्यम, आप हमें इसको बता सकते हैं? बिल्कुल शिवम, हम आपको ये बता सकते हैं कि जैसा कि अभी हमने आपको ये बताया कि समझाया भी कि ऐसे प्रकाशिक माध्यम जिनको जो प्रकाश होता है ना, वो अधिकांश भाग अगर उनको पार कर जाता है तो वो हमारे पारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। तो ये बात अगर आप देखना चाहते हो तो जैसे स्वच्छ जल हो गए, वायु हो गए, तो आप वायु में तो खुद देख रहे होंगे कि यहाँ आप जानते हैं आपके चारों तरफ वायु उपस्थित है, तो ये जो प्रकाश जल रहे हैं तो ये प्रकाश इनको पार कर जा रहा है, तो ये आप देख सकते हैं। दूसरा हमने लिखा है स्वच्छ जल, जल में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो इसको भी प्रकाश पार कर जाता है। आइए हम एक एग्जाम्पल लिखा है कांच, तो कांच को दिखाते हैं कि कांच में प्रकाश कैसे पार कर जाता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आइए हम दिखाते हैं। तो सर, जैसा आपने भी बताया है कि कांच को प्रकाश पार कर जाएगा, सर हमारे पास एक कांच है, आप इसको क्या प्रकाश पार करके दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल, हम इसको आपको दिखा सकते हैं कि प्रकाश इसमें से पार कर जाएगा। देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, सीएम आप भी देख सकते हैं कि आपने जो कांच लाया है उस कांच पर ये जो मोबाइल से निकलने वाले जो प्रकाश हैं, प्रकाश का अधिकांश भाग क्या कर रहा है, आपको इस पार दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो इसे इसी को अभी हमने बताया कि जब किस कोई भी प्रकाश जो होता है जिसको अधिकांश भाग क्या हो जाता है, पार कर जाता है। देखिए ये प्रकाश का अधिकांश भाग इसे पार कर जा रहा है, इस पार आपको दिखाई पड़ रहा है, इस पार आपको ये प्रकाश दिखाई पड़ रहा है, तो ये कौन सा माध्यम होता है, पारदर्शी माध्यम होता है। तो डियर स्टूडेंट आप भी देख सकते होंगे कि ये जो प्रकाश है ये आपको इस पार दिखाई पड़ रहा है, नहीं तो आप देख सकते हैं ये देखिएगा, तो ये कांच एक पारदर्शी माध्यम होता है। उम्मीद करते होंगे डियर स्टूडेंट आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि कांच, वायु और स्वच्छ जल जो होते हैं वो आपके पारदर्शी माध्यम होते हैं। अब आपके टाइम को ना लेते हुए दूसरे माध्यम को जानते हैं। दूसरा माध्यम क्या हमने बताया था, दूसरा माध्यम हमने आपको बताया था पारभासक माध्यम, क्या बताया था, पारभासक माध्यम, पारभासक माध्यम, ध्यान समझिएगा। अब पारभासक माध्यम क्या होता है, उसको हमने बताया था ऐसा प्रकाशिक माध्यम, ऐसा प्रकाशिक माध्यम जिनको प्रकाश का कुछ भाग तो पार कर पाता है पर कुछ भाग पार नहीं कर पाता, यानी कुछ भाग इस पार दिखाई पड़ेंगे, कुछ भाग उस पार दिखाई पड़ेंगे, तो ये कौन से माध्यम कहलाते हैं, पारभासक माध्यम कहलाते हैं। तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ऐसा प्रकाशिक माध्यम, ऐसा प्रकाशिक माध्यम जिनको प्रकाश का कुछ भाग, प्रकाश का कुछ भाग पार कर जाता है, पार कर जाता है और कुछ भाग, और कुछ भाग, और कुछ भाग पार नहीं कर पाता है, पार नहीं कर पाता है, पारभासक माध्यम कहलाता है, पारभासक माध्यम कहलाते हैं। ये हो गया जैसे। अगर आप जैसे इसका जानना चाहते हैं तो जैसे क्या हो सकता है, जैसे मैंने बताया था घिसा हुआ दर्पण, घिसा हुआ दर्पण, फिर उसके बाद हमने क्या बताया था, दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल बताया था तेल से भीगा हुआ कागज,
तेल से भिगा हुआ कागज, और तीसरा हमने क्या बताया था, दूषित जल। क्या? दूषित जल। दूषित जल का मतलब गंदा जल आदि। ध्यान से समझिएगा, हमने आपको क्या बताया कि ऐसा प्रकाशिक माध्यम जिनको प्रकाश का कुछ भाग पार कर जाता है, तो ये जो घिसा हुआ दर्पण होगा, घिसा हुआ दर्पण का मतलब होता है कि जो पॉलिश किया गया हो उसको पीछे से घिस दिया जाए, तो कहीं कहीं पॉलिश रहे और कहीं कहीं पॉलिश न रहे, तो जब उन पे प्रकाश पड़ेगा तो उन पे प्रकाश पड़ने के बाद कुछ भाग प्रकाश का पार कर जाएगा और कुछ भाग पार नहीं कर पाता है। ऐसे ही तेल से भिगा हुआ कागज होता है, दूषित जल होता है। आप कभी कभी इमेजिन कीजिए कि जब दूषित जल में अपने चेहरे को झांकते होंगे, तो जब दूषित जल रहता है तो जब थोड़ा सा साफ होता है तो आपको दिखाई पड़ने लगता है, आपका चेहरा उसमें दिखाई पड़ने लगता है, और जब वो गंदा रहता है तो आपको चेहरा दिखाई नहीं पड़ता रहता है। तो वो कौन सा होता है? वो भी आपका पारभासक माध्यम होता है। एक हमने दिखाया तेल से भिगा हुआ कागज, तेल से भिगा हुआ कागज पर अगर प्रकाश आप डालोगे तो प्रकाश का कुछ भाग उस पार दिखाई पड़ेगा और कुछ भाग दिखाई नहीं पड़ेगा। तो आइए हम इसको आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, करके दिखाते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता। सर आपने जैसा भी बताया पारभाषक माध्यम में, सर आपने तीन एग्जाम्पल दिया है, घिसा हुआ दर्पण, तेल से भिगा हुआ कागज, दूसरी जल। सर आप हमें इन तीनों में से सर एक प्रैक्टिकली करके दिखा सकते हैं, तेल से भिगा हुआ कागज? तो देखो सीएम, हमने आपको बताया पारभासक माध्यम के कुछ एग्जाम्पल, जैसे तेल से भिगा हुआ कागज, घिसा हुआ दर्पण, दूषित जल। तो आप कह रहे हैं कि सर आप मुझे एक इसको प्रैक्टिकली करके दिखाइए कि क्या ये पारभासक माध्यम है या नहीं है। तो जैसा लग रहा है कि आप लेके भी आए हैं तेल से भिगा हुआ कागज, इतने बड़े पढ़ने के दीवाने हुए हैं। तो आइए हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे जो है ये तेल से भिगा हुआ जो कागज होता है ये पारभासक माध्यम होता है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे जो पढ़ाए गए स्टूडेंट हैं, इनकी इतनी देख प्रैक्टिकल करने का मन है कि घर से इस कागज़ को तेल से भिगो कर लाए हैं। अब इसमें दिखाना है कि कह रहे हैं दिखाइए सर ये पारभासक माध्यम है या नहीं है, और साइंस कहता है कि जो चीज़ पढ़ रहे हो वो चीज़ करके देखो। तो आइए करके देखते हैं क्या ये सत्य है या नहीं है। जैसा कि आपने पूछा सीएम कि तेल से भिगा हुआ जो कागज होता है वो आपका पारभासक माध्यम है या नहीं है, तो देखिए डियर स्टूडेंट, हमने अपने हाथ में तेल से भिगा हुआ कागज लेके रखे हैं, देख सकते हैं आप। उसके बाद अगर हम लोग इस पे प्रकाश डालते हैं, डालने के बाद देखेंगे अगर प्रकाश का कुछ भाग आपके तरफ दिखाई पड़ा और कुछ भाग मेरे तरफ दिखाई पड़ा, तब तो हम मान लेंगे ये पारभासक माध्यम है। तो आइए करके देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हमने जब प्रकाश इस पे पड़ाया, प्रकाश इस पे डाला, तो ये देख सकते हैं कि प्रकाश का कुछ भाग सीएम के ऊपर दिखाई पड़ रहा है और कुछ भाग आप देख सकते हैं इस कागज के ऊपर भी दिखाई पड़ रहा है। आप यहां भी देख सकते हैं कि प्रकाश का कुछ भाग आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा होगा, कुछ भाग इस कागज पे दिखाई पड़ रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये जरूर आपको समझ में आया होगा कि जो तेल से भिगा हुआ कागज होता है वो एक पारभासक माध्यम होता है। तो समझ में आया सीएम? जी सर। चलिए डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों ने इन दोनों को पढ़ भी लिए, दोनों को देख लिए भी, अब हम चर्चा करते हैं तीसरे माध्यम की, जिसे हमने कहा था अपारदर्शी माध्यम। तीसरा माध्यम हमने क्या बताया था आपको? अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम। तो अपारदर्शी माध्यम क्या होता है? तो जैसा कि हमने बताया था, अभी समझाया भी था, कि ऐसे प्रकाशिक माध्यम जिनको प्रकाश पार नहीं कर पाता है, जिनको प्रकाश पार ही नहीं कर पाएगा, वो क्या कहलाते हैं? अपारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। तो आइए लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं? ऐसा प्रकाशिक माध्यम जिनको जिनको प्रकाश पार नहीं कर पाता है, पार नहीं कर पाता है, क्या बच्चों? पार नहीं कर पाता है, अपारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। अपारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग देख सकते होंगे दीवार,
दर्पण, ठीक, जिसे आप लोग शीशा कहते होंगे, ठीक, दीवार, दर्पण, फिर उसके बाद मिट्टी, बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे आदि, ठीक। तो हमने क्या बताया डियर स्टूडेंट, हमने आपको बताया ऐसा प्रकाशिक माध्यम जिनको प्रकाश पार नहीं कर पाते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। जैसे हमने एग्जांपल में आपको समझाया दीवार, दर्पण, मिट्टी, आपके लकड़ी की बनी कोई वस्तु, कोई भी कुछ भी हो सकता है, जिनको प्रकाश पार नहीं कर पाएंगे वो हमारे क्या कहलाते हैं, अपारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। तो आइए आपको जो है इसको भी दिखा देते हैं कि अपारदर्शी माध्यम कैसे होते हैं। सर आपने भी बताया अपारदर्शी माध्यम, हम चाहते हैं सर अपारदर्शी माध्यम में सर आपने जैसे बताया दीवार, दर्पण, मिट्टी आदि भी सर जो है अपारदर्शी माध्यम है, क्या आप हमें इसमें भी एक एग्जांपल दे सकते हैं? जी बिल्कुल, हम आपको दिखा सकते हैं, बता भी सकते हैं और करके दिखा रहे हैं कि आपने कहा सर कि एक दिखाइए कि कोई अपारदर्शी माध्यम है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ऐसा प्रकाशिक माध्यम जिनको प्रकाश पार नहीं कर पाता, पार नहीं कर पाता मतलब वो प्रकाश उनको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो उसका एग्जाम्पल हमने दीवार दिया, उसके बाद लकड़ी दिए, प्लास्टिक की कोई भी वस्तुएं दिए और एक दिए हैं दर्पण। तो दर्पण को हम दिखाते हैं कि प्रकाश पार कर पाता है या नहीं कर पाता। तो आप दर्पण लेके आए हैं क्या? ठीक, तो ये देख सकते हैं डियर स्टूडेंट हमारे हाथों में सीएम दर्पण लेके आए थे कि इसको इनको देखना है कि ये आपके अपारदर्शी माध्यम है या नहीं है। ये कब होगा अपारदर्शी माध्यम, एक बार फिर से बोलिए, ये कब अपारदर्शी माध्यम होगा? जब प्रकाश इसको पार नहीं कर पाएगा, जब प्रकाश इनको पार नहीं कर पाएगा तब ये अपारदर्शी माध्यम है। अगर पार कर जाता तो पारदर्शी माध्यम हो जाते, अगर कुछ भाग पार करते कुछ भाग नहीं पार कर पाते तो अपारदर्शी माध्यम हो जाते। तो आइए हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए हमने अपने हाथ में क्या लिया है, प्रकाश उत्पन्न करने वाली एक स्रोत है जिसको आप लोग मोबाइल कहते हैं, ठीक। तो अब देखिए जब इस पे पड़ने वाला प्रकाश आप लोग इस कांच पे पड़ाए, देख सकते हैं आप कांच पे पड़ा दिए, ठीक। तो आइए हम आपको दिखाते हैं, क्या आप ये जो पड़ने वाला प्रकाश है इस पार आपको दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, दिखाई पड़ रहे हैं? नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। इस पार भी देख सकते हैं आप, प्रकाश इस पे पड़ रहा है पर इस पार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो ये कौन से माध्यम हो गए? अपारदर्शी माध्यम हो गए, क्योंकि प्रकाश इसको पार नहीं कर पा रहा है। समझ में आया? जी सर। ये कौन सा माध्यम है? अपारदर्शी। अपारदर्शी माध्यम, अगर पार कर जाता तब कौन सा माध्यम हो जाता? पारदर्शी माध्यम हो जाता। तो ठीक डियर स्टूडेंट, ऐसे ही मजेदार और प्रैक्टिकल वाली वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे प्यारे बच्चों, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।